लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही बाजारों में चहल पहल बढ़ने लगी है। सोशल डिस्टेंस की जम के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यदि हम सीमांत विकास खंड जोशीमठ के बाजार की बात करें तो लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगी है और सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। प्रक्रिया पहले चल रही थी लॉकडाउन 2 में, वही प्रक्रिया लॉकडाउन 3 में चलनी चाहिए। 7 बजे से 1 बजे तक दुकानें खुलनी चाहिए। बाहर से जो आदमी आ रहे हैं, आज के कल के डेट में 3 बसें जोशीमठ में पहुंच चुकी है, उनका कोई पता नहीं उन पर क्या बीमारी है। अभी पता चला है आईटीबी के जवान को भी संदिग्ध परिस्थिति में गोपेश्वर स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। जिस प्रकार से आदमी यहां आ रहे हैं, जनता बढ़ रही है, जोशीमठ बिल्कुल और शिक्षित घोषित हो जाएगा। जनपद चमोली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ से लोगों में डर का माहौल बढ़ने लगा है। सोशल डिस्टेंस की कमी और बाहरी लोगों के जनपद चमोली के विविध गांवों में आने से यह भय और बढ़ गया है। तो बहुत है लेकिन गुस्सा भी बहुत है। जो ये 2 महीना लोगों को अंदर रखा गया, खाली दिखावे के लिए रखा गया। जो ये भाजपा की सरकार है, देखो बाजार में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो नहीं किया जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है। और देहरादून दिल्ली से भी आदमी आ रहे हैं, उनका कोई क्वारंटाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन बसें खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत लोग आ रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है।